नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मसाला मूंगफली बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी होती हैं। इन्हें नट क्रैकर्स भी कहा जाता है। आइए देखें मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मूंगफली के दाने 1 कप, बेसन 1/3 कप, अमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से कम, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/2 छोटी चम्मच से कम या स्वादानुसार, बेकिंग सोडा 1 पिंच, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 3/4 छोटी चम्मच और मूंगफली तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम मसाला मूंगफली बनाने के लिए बेसन को घोलेंगे। बेसन को बड़े प्याले में डाल लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और पहले हम बेसन को गुठलियां खत्म होने तक खोलेंगे। ये गुठलियां खत्म हो गई हैं। हम पहले कम पानी डालते हैं तो बेसन में आसानी से गुठलियां खत्म हो जाती हैं। अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियां ख़त्म होने में बहुत देर लगती है, बहुत मुश्किल होती है। तो ये गुठलियां हमने ख़त्म कर ली हैं और अब और पानी डाल देंगे और बेसन को अच्छे से फेंटेंगे, बिल्कुल एकदम चिकना होने तक। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का घोल बना लेंगे। ये 1/3 कप बेसन में हमने 1/3 कप पानी डाल दिया है। तो ये बेसन हमारा घुल गया। अब हम ये मसाले बेसन में डालेंगे। अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा, और इनको अच्छे से मिलाते हुए फिर से बेसन को फेंटेंगे। इधर ये तेल गरम कर लेते हैं मूंगफली तलने के लिए। ये बेसन हमने फेंट के तैयार कर लिया, अच्छे से सारे मसाले मिला लिए और अब हम ये मूंगफली के दाने भी बेसन में मिलाएंगे। ये सारे मूंगफली के दाने हमने मिला लिए हैं। एक दाना मूंगफली का तेल में डाल के देख लेते हैं कि तेल गरम हो गया या नहीं। तेल गरम हो गया है, मूंगफली का दाना हमने डाला जो तुरंत तैर करके आ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, बस इतना ही गरम चाहिए। तो अब हम तलना स्टार्ट करते हैं। तो मूंगफली के दाने हम हाथ से उठाकर और एक एक करके इस तरीके से डालते जाएंगे। थोड़े से दाने उठा लेंगे और उंगली के सहारे से एक एक गिराते जाएंगे। तो जितनी मूंगफली एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतनी मूंगफली हम डाल देंगे। धीमी और मीडियम आग पर हम ये दाने एकदम ब्राउन होने तक तलेंगे। तेज़ आग पर नहीं तलेंगे क्योंकि तेज़ आग पर अगर हम ये दाने तलेंगे तो एक कुरकुरे बिल्कुल नहीं होंगे। तो इन्हें धीरे धीरे धीमी आग पर कुरकुरे होने तक तलना है। ये दाने अच्छे ब्राउन हो गए और हम इन्हें निकाल के इस तरीके से छलनी में रख लेंगे तो एक्स्ट्रा तेल नीचे निकल जाएगा। ये मूंगफली को हम बिल्कुल धीमी आग पर धीमे धीमे एकदम ब्राउन होने तक तलेंगे। अगर हम तेज आग पर इन्हें तलेंगे तो बिल्कुल कुरकुरी नहीं होंगे। तो तेज आग पर हमें बिल्कुल नहीं तलनी है,
धीमी आग पर धीरे धीरे कम से कम एक बार की मूंगफली तलने में हमें 4-5 मिनट लग जाते हैं। मूंगफली अच्छी ब्राउन हो गई है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मूंगफली हमने तल ली और इनमें अब हम चाट मसाला और लाल मिर्च डाल के मिला देंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। आप बेसन में भी लाल मिर्च डाल सकते हैं, पहले भी अगर ज़्यादा तीखी खानी है तो बेसन घोलते समय भी आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मसाले हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। कुरकुरी मसाला मूंगफली तैयार हैं और इन्हें आप 1-2 घंटे तक खुली हवा में रहने दीजिए। एकदम जल्दी से एयर टाइट कंटेनर में मत डालिए, क्योंकि ये अगर जरा भी अंदर से गर्म रही और हमने कंटेनर में डाल दी तो ये बाद में नरम हो जाएंगी। इन्हें पूरे 2 घंटे तक हवा में खुले रहने दीजिए, इसके बाद आप कंटेनर में भरिए। मसाला मूंगफली आप बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।